हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ y एक्सिस की कैलिब्रेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, थैंक्स के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक बात कहता चलूँ कि ये वीडियो क्योंकि मैं अकेला नहीं बनाता, इसके पीछे एक पूरी टीम होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर थैंक्स ना क्या करें, बल्कि आप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप डायरेक्ट ही यूट्यूब के ऊपर लाइक क्या करें या फिर कमेंट्स करके इधर ही हमें बताया करें। या अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद यानी कोई चीज आपको समझ नहीं लगती तो आप क्वेश्चन इधर ही क्या करें यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आप पर्सनल तौर पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, उसका भी आपको पता है मैं जवाब फौरन देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर कॉमेंट्स करेंगे तो डायरेक्ट ही हमारा यानी कोई ना कोई हमारा कुलीग आपको डायरेक्ट इसका फौरन रिप्लाई करेगा। तो उसके अलावा मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। तो चले दोस्तों y86 की कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इंडिकेटर को ऑन करना है। जब इंडिकेटर ऑन हो जाएगा यानी अपने 00 पोजीशन पर हो जाएगा, अभी क्योंकि इसके पीछे कनेक्शन नहीं लगा हुआ तो ये एरर देगा। तो जब ये 00 पोजीशन पर हो जाएगा तो आपने 0 के बटन और C के बटन को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने D लिखा हुआ आ जाएगा। D के आगे ये कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। लेकिन जब ये D होगा तो आपने कोई चीज नहीं छेड़नी, आपने 0 के बटन को 3 दफा प्रेस करना है। जब 3 दफा प्रेस करेंगे तो आपके सामने नो लोड लिखा हुआ आ जाएगा। जब नो लोड लिखा हुआ आएगा तो आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वजन नहीं रखना यानी प्लेटफॉर्म को अनलोड कर देना है। उसके बाद आपने 0 के बटन को प्रेस करना है तो यहाँ पर एड लोड लिखा हुआ आ जाएगा। ए लोड लिखा हुआ जब आएगा और उसके बाद कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी टोटल कैपेसिटी आप ही शो कर रहा होगा। यानी यहाँ पर आपने स्पैन वेट लिखना है, यानी जो भी आपके पास डेड वेट है, जो भी आपके पास वट्टा है, वो आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। जैसे फर्स्ट करें अगर आपके पास 50 kg का वट्टा है तो 50 kg के वट्टे को आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है और यहाँ पर आपने 50 लिखना है। 50 लिखने के लिए आपने क्या करना है कि एक एफ का बटन है, एक प्लस का बटन है और एक टीयर के बटन है। इन तीन बटनों के जरिए आपने यहाँ पर 50 लिखना है। फर्स्ट करें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आपने वैल्यू को जो बढ़ाना है वो आपने टी के बटन से वैल्यू को बढ़ाना है। यहाँ पे हम वैल्यू को बढ़ा के 0 कर देते हैं। उसके बाद हम राइट साइड पर आते हैं, राइट साइड के लिए हमने प्लस के बटन को इस्तेमाल करना है। ये प्लस के बटन को जब हम दबाएंगे तो ये वैल्यू राइट साइड पर आ जाएगी और राइट साइड वाला एक हिस्सा ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। अब हमने दोबारा यहाँ पे 5 लिखना है तो हमने टी के बटन से यहाँ पर 5 लिखना है। ये यहाँ टी के बटन से हमने 5 लिखा और इशारिया से पहले यहाँ पर 50 लिखा हुआ आ गया है। तो जब यहाँ पे 50 लिख देंगे और प्लेटफॉर्म के ऊपर 50 kg हमने पहले ही रख दिया है, उसके बाद हमने क्या करना है कि 0 के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम 0 के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डैश डैश आने के बाद कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी लोड सेल नहीं लगा हुआ इसलिए इसने एरर दे के दोबारा पीछे आ गया है। लेकिन इसके यहाँ तक इसकी कैलिब्रेशन है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।